जय श्री राधे मित्रों, हर हर महादेव, जय माता दी। मित्रों, चंद्रवन्नी भक्तरस चैनल के माध्यम से मैं पंडित दीपक उपाध्याय देवभूमि उत्तराखंड से आपके अपने चैनल चंद्रवन्नी भक्तरस चैनल में पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और माँ भगवती से करवत प्रार्थना करता हूं कि माँ भगवती आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आपके जीवन में माँ भगवती का आशीर्वाद पग पग पे आपको प्राप्त हो, आपका जीवन आनंदमयी हो। माँ भगवती आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें, यही माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ। तो चंद्रवन्नी भक्तिरस चैनल के माध्यम से आज का जो हमारा वीडियो होगा वह होगा वृषभ राशि के जातकों के लिए कि आने वाला जो सप्ताह है 10 अप्रैल 2023 से लेकर के और 16 अप्रैल 2023 का यह सप्ताह आपके लिए कैसा रहेगा। तो वीडियो में आप सभी लोग अंतिम तक अवश्य बने रहें, क्योंकि वीडियो के अंतिम में एक सुंदर सा उपाय जो है आपको बताया जाएगा। तो जिस उपाय को करने से आप इस सप्ताह के जो हैं छोटे मोटी जो भी आपकी विघ्न बाधाएं हैं उन विघ्न बाधाओं का को आप दूर कर सकते हैं। तो उस उपाय के लिए आप वीडियो में अंतिम तक अवश्य बने रहें। वीडियो अपने इष्ट मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। जो पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो बात करते हैं वृषभ राशि, दूसरी जो राशि है वृषभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा आने वाला यह सप्ताह। तो वृष राशि के जातकों को इस सप्ताह जो है अपने धन और समय का प्रबंधन करके चलने की जरूरत है। इस हफ्ते जो है आपको अपने समय का ध्यान रखना है, धन का भी ध्यान रखना है, बिल्कुल प्रबंधन करके आपको इस सप्ताह आगे बढ़ना है। और इस सप्ताह जो है आपके पास तमाम स्रोतों से धन का आगमन तो होगा, अनेक स्रोतों से आपको धन की प्राप्ति तो होगी, लेकिन खर्च की भी अधिकता रहने वाले है, उससे कहीं ज्यादा आपका खर्चा होने वाला है। तो इसलिए आपको जो है धन का इस्तेमाल जो है प्रयोग जो है बिल्कुल सावधानी से करना है। सप्ताह की शुरुआत में ही आपके अपने घर की साज सज्जा पे खर्चा होगा। इस सप्ताह की जब शुरुआत होगी तो सप्ताह के शुरुआत में ही अपने घर के साज सज्जा संवारने में आप कुछ खर्चा कर सकते हैं। संतान की जरूरतों के लिए कुछ खर्चा होगा और पर्यटन आदि पर भी बड़ी राशि जो है आपके खर्च होने वाली है। पर्यटन इत्यादि पे भी आपकी जो है बड़ी सी राशि खर्च होते हुए दिख रही है इस सप्ताह। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल आपको जो है हिसाब से आगे बढ़ना है। और नौकरी पेशा करने वाले जो वृषभ राशि के जातक हैं, तो वृषभ राशि के जातक जो नौकरी पेशा लोग हैं वह अपन उन पर जो है कामकाज का इस सप्ताह अधिक बोझ रहने वाला है। अधिक बोझ आपको प्राप्त होता हुआ दिख रहा है, नौकरी में आपको जो है अधिक बोझ झेलना पड़ सकता है। सप्ताह का जो मध्य भाग है तो मध्य में करियर या कारोबार के सिलसिले में जो है अचानक से लंबी दूरी की यात्रा भी आपको करनी पड़ सकती है। लंबी दूरी की यात्रा पे आप जा सकते हैं। यात्रा सुखद एवं लाभप्रद साबित होगी। जो यात्रा आप करेंगे उसमें अच्छे परिणाम आपको मिलते हुए दिख रहे हैं। और यात्रा के दौरान जो है किसी प्रभावी व्यक्ति से, प्रभावी लोगों से आपके संबंध बनेंगे। कोई प्रभावी जो व्यक्ति हैं उनसे आपके संबंध बनते हुए दिख रहे हैं। और जिनकी मदद से भविष्य में आपको लाभ की प्राप्ति होगी, जिनके मदद से जो है आगे भविष्य में आपको लाभ की प्राप्ति होने वाली है। सप्ताह का उत्तरार्ध जो हिस्सा है आपकी सेहत की दृष्टि से थोड़ा सा नरम रह सकता है। सप्ताह का उत्तरार्ध हिस्सा उसमें थोड़ा सा स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। इस दौरान कोई मौसमी जो बीमारियां हैं वह बीमारी आपको घेर सकती हैं, इसलिए आपको सतर्क रहना है। और इस सप्ताह जो है वृषभ राशि के जातकों को जो वाहन है, वाहन चलाते समय आपको बिल्कुल सावधानी बरतनी है, सावधानी पूर्वक आपको वाहन चलाना है। प्रेम संबंध की दृष्टि से देखा जाए तो यह सप्ताह आपके बिल्कुल अनुकूल है। लव पार्टनर के साथ आपके संबंध मधुर बनते हुए दिख रहे हैं और वैवाहिक जो जीवन है, वैवाहिक जीवन आपका सुखमय बना रहेगा इस सप्ताह। परिवार के साथ जो है हंसी खुशी के साथ में जो है आप पल बिताएंगे। परिवार के साथ जो है अच्छा समय इस सप्ताह आप बिताएंगे, अपने परिवार वालों के साथ में अच्छा समय बिता पाएंगे, जिससे परिवार वाले भी आपसे प्रसन्न रहेंगे। तो ये तो आपका राशिफल हुआ इस सप्ताह का। अब बात करते हैं इस सप्ताह जो है वृषभ राशि के जातकों को कौन सा उपाय करना है जिससे जीवन के जो छोटी मोटी बाधाएं हैं वह दूर हों, तो वह कौन सा उपाय आप करें। तो इस सप्ताह उपाय आपको क्या करना है कि प्रतिदिन जो है शंकर भगवान पे, शिवलिंग पे जो है तांबे के लोटे से जल चढ़ाना करके, तांबे के लोटे से भगवान शंकर के ऊपर जल चढ़ाना है और शिव महिम्न स्तोत्र का आपको पाठ करना है। या शंकर भगवान के जो मंत्र हैं, या मृत्युंजय, महामृत्युंजय, या
पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय, इन मंत्रों में से कोई भी मंत्र जाप करके आप शंकर भगवान का अभिषेक करें और शंकर भगवान का ध्यान पूजन करें, तो आपकी सारी विघ्न बाधाएं दूर होंगे और आपका यह सप्ताह आनंददायी होगा। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करेंगे। आज का वीडियो आपको हमारा कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर अवगत कराएं। वीडियो अपने इष्ट मित्रों तक शेयर जरूर करें। जो पहली बार जुड़े हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियो समय समय अनुसार आपको प्राप्त होती रहे। तो जय माता दी। पुनः अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक माँ भगवती आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। हर हर महादेव। संभव।